गुरुदेव मुझे आत्मज्ञान दीजिए। प्रश्न क्या है? मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तब कबीर साहब दूसरी साखी कहते हैं, आत्मज्ञान का जिज्ञासु मुमुक्षु है वो मुक्ति चाहता है, वो कबीर साहब के पास जा करके निवेदन करता है, हे गुरुदेव मुझे आत्मज्ञान दीजिए। उसी आत्मज्ञान को क्या कहते हैं साहब ने यहां पर? निज तत्व कहा। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले हूं परख। साहब कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, तू शब्द का है। इसका मतलब सामने कोई कबीर साहब के पास बैठे हैं, भैया तुम मेरे शब्द को जानना चाहते हो। शब्द हमारा तू शब्द का, जो मेरा शब्द है मेरे जो विचार है उसको तुम जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो। तो दो शर्त है। दो शर्त क्या है? ये पहली शर्त है सुन करके सरकना मत। सरकना मतलब खिसक मत जान जा, ए भाई मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा मत कर। और दूसरे शर्त क्या है? शब्द ही ले हूं परख। ये खास है, यहां भी जितने लोग बैठे हैं जो सुनने आएंगे उसको दो शर्त है। एक तो सुन रहे हो उसको स्वीकारना, उसको खिसक मत जाना। और दूसरा शर्त क्या है? कि जो बातें बताई जा रही उस पर विवेक करना, परख करना, समझना। तो साहब यहां कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, ऐ जिज्ञासु ऐ मुमुक्षु ऐ भगत, यदि तुम मेरी बातों को समझना चाहते हो, मेरे विचारों को जानना चाहते हो, मेरे शब्दों को सुनना चाहते हो, तो क्या है? सुन करके सरकना। ज्यादातर हम सुनते कम नहीं है, बहुत सुनते हैं, किंतु सुन करके हम अपने आप को चाहे आलस वश कहो, आलस बहुत बड़ा हमारे लिए दोस्त तो है, आलस बस कहो, या तो फिर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, मोह वश कहो, लोभ वश कहो, विकार वश कहो, हम उसको करना नहीं चाहते। साहब कहते सुन करके सरकना मत। और दूसरी बात है जो चाहो निज तत्व, निज तत्व का ज्ञान यदि पाना चाहते हो, चाहो शब्द है, चाहो क्या चाहते हो? निज तत्व का ज्ञान पाना चाहते हो। निज तत्व मतलब खुद तत्व, जो शुरू में मैं कहा था उसको क्या कहते हैं कबीर साहब? अंतर ज्योति। उसी अंतर ज्योति को बिल्कुल दो चार मिनट में पूरा करता हूं। अंतर ज्योति को कबीर साहब ने कहा वही निज तत्व है, वही चेतन तत्व है, वही आत्म तत्व है, वही ज्ञान तत्व है। तो ज्ञान तत्व को यदि तुम समझना चाहते हो, देखो एक पर तत्व है और एक स्वतत्व है। स्व मतलब निज तत्व। पर तत्व में क्या आता है? जितने भी प्राणी पदार्थ है वो पर तत्व है। जो प्राणी पदार्थ कितने तत्वों से बना हुआ है? पांच तत्वों से, मिट्टी पानी आग हवा आकाश। ये पांचों तत्वों से जितना से बना हुआ है वो कौन है? वो पर तत्व है। ये शरीर भी हमारा शरीर है, ये पर तत्वों से बना हुआ है। अंदर में कौन बैठा हुआ है? निज तत्व बैठा हुआ है। शरीर मन जो चेतन है उसके अतिरिक्त जितने भी हैं सब जड़ है, केवल चेतन चेतन है, चेतन के सिवा और कोई चेतन नहीं। चेतन के अतिरिक्त और जितने पदार्थ हैं सब जड़ है, और जड़ की अपनी एक क्रिया हो रही है, चेतन की अपनी क्रिया है, चेतन के अपने कर्म। देखिए कर्म और क्रिया में अंतर इतना ही है, जो स्वतः हो रहा है वो क्रिया है, और जो आपके निर्देश से हो रहा है वो कर्म है। श्वास स्वतः चल रहा है वो क्रिया है, किंतु वही जब प्राणायाम करने लग जाते हो तब वो कर्म में आ गया, क्योंकि आप श्वास को रोक भी रहे हो, अमुक समय छोड़ भी रहे हो। जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ब्लड का हृदय से, वो क्या है? वो क्रिया है। आप उसमें आपके कोई बस नहीं है। हमारे बाल पक गए, कौन पकाना चाहता है बाल को? किंतु बाल पक गए, बाल झड़ने लग जाते हैं,
किसी का सिर चंदा थोड़े कोई होना चाहता, बाल झड़ने लग गए, ये सब क्या है? क्रिया है, शरीर की क्रिया। हम रोटी खाते हैं, रोटी हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये हमारे कर्म हुआ। किंतु रोटी कैसे पचना है, रोटी खाते हैं वो कहां पर खून बन गया, पेशाब बन गया और सब बन गया, टट्टी पेशाब बन गया, हाड़ मांस बन गया, ये सब क्या है? क्रिया है। वो किसकी क्रिया है? जड़ तत्वों की क्रिया है। निज तत्व क्या है? उन जड़ तत्वों को जानना, समझना, अपने को समझना, संसार को समझना, वो चेतन है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, वो निज तत्व है। साहब कहते हैं निज तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए खास, उसके लिए औजार है, शब्द ही ले हु परख, शब्दों को परखना पड़ेगा। क्योंकि निज तत्व के लिए भी अनेक अनेक लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे भी सिद्धांत है जो कहता है सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे तीन सिद्धांत में पूरा कर दिया जाता है। एक होता है कि जड़ ही जड़ है और कुछ नहीं, जड़ ही जड़ है, उसको कहते हैं जड़ अद्वैतवाद, जड़ अद्वैत, जड़ के सिवा और कुछ नहीं है, उसको भौतिकवादी कहते हैं। उसी को भौतिक पदार्थ, पदार्थों को ही सब कुछ मानने वाले को भौतिकवाद, जड़द्वैतवाद कहते हैं। और दूसरा मानने वाला क्या है? चेतनाद्वैतवाद, चेतन ही चेतन है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ही आत्मा है, ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, ये तो उसकी परछाई है। और तीसरा है जो कबीर साहब का विचार है, वो है विवेकवाद। विवेकवाद मतलब जड़ भी है और चेतन भी, हम जड़ को भी देख रहे हैं और चेतन को भी देख रहे हैं। तो आत्म तत्व का ज्ञान होने का मतलब होता है खुद को जानना, निज तत्व का बोध होने का मतलब है खुद को। वो कब जानोगे? जब विवेक करोगे। सूरत में था तो एक बार, ये हमारे खास सज्जन हैं, मित्र हैं, और वो आते जाते रहते हैं सूरत आश्रम में, किंतु उसके विचारधारा आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, आत्मा भी नहीं मानता, परमात्मा भी नहीं मानता। ऐसे शाम हुआ तो लाइट जलाया गया, लाइट, तो वो भाई कहता है रहा शाम को, तो देखो इसमें भी तो चेतन है, इसमें भी तो चेतन है, देखो प्रकाश हो गया। मैंने उसको कहा भाई आप चेतन क्या है इसकी व्याख्या नहीं जान पाए, चेतन किसे कहते हैं इसको आप नहीं जान पाए, आप विचार करो। अब देखिए कैसे जानेंगे, विचार से, विचार करना पड़ेगा। क्या विचार करना है? वो जो लाइट जला, ट्यूब लाइट, मैंने उसको कहा ये ट्यूब लाइट है मेरे भाई, वो आपको जानता है क्या? यहाँ आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, ऐसा जानता है क्या? नहीं। और आप? हाँ मैं तो जान गया कि ट्यूब लाइट जल, तो आप चेतन है, वो ट्यूब लाइट चेतन नहीं, वो जड़ है। यही विचार, इसी विचार को कबीर साहब ने परख कहा है। और कबीर का पूरा सिद्धांत पारख सिद्धांत है, परख करो, परख करो, परख करो, ऐसे मान ना लो, ये खास सिद्धांत। तो साहब यहां कहते हैं कि आत्मज्ञान यदि पाना चाहते हो तो परख करना पड़ेगा, शब्दों को परखना पड़ेगा, चाहे ज्ञानी, चाहे महात्मा बैठे हो, चाहे जो बैठे हो, बड़े बड़े व्यासपीठ पर भी बैठ करके झूठी बातें कह सकते हैं, उसको परखना पड़ेगा। कोई तो आजकल कह रहा है, बहुत लाखों की भीड़ हो रही है उनकी सभा में, और कह रहे हैं पर बहुत पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेल पत्ते का तीन पत्ता ले आना और अमुक ले आना और उसमें चढ़ा देना शिवलिंग में, बस आपको बिल्कुल पास ही हो जाओ। क्या सचमुच ऐसा पास हो जाता है? कोई नहीं हो सकता है। एक एक चीज को परखो। तो खास है जो सर्वाहु को जाने सो तो सर्वाहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज परख लखायो। जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो परख करके हमको बताते हैं कि सबको जानने वाला सबसे अलग होता है, संसार को जानने वाला संसार से अलग होता है, पदार्थ को जानने वाला पदार्थ से अलग होता है,
आओ इसकी व्याख्या फिर कबीर साहब आगे फिर आगे की साखी में वो आत्मतत्व क्या है उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। आज दो साखी पर चर्चा हुई। पहली साखी है जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हौं जगा तू कह चला बिगोय, जब ये जीव जन्म लिया था तब इसके पास कोई मनोविकार नहीं था, मनोविकार बाद में आया सुन सुन करके देख देख करके, जब हमारी मनोवृत्ति तंदुरुस्त हो गई उसके बाद भी जैसे देखते गए बढ़ाते गए। छोटे बच्चों में काम विकार नहीं आएगा, जैसे जैसे हर इंद्रिया मजबूत होती जाती है तंदुरुस्त होती जाती है और धीरे धीरे जितनी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है वैसे मोह माया मनोविकार बढ़ता चला जाता है और उससे छूटने का एक हमारे पास स्वतंत्र भूमिका है, वो कौन सा है? हंस भूमिका। या हम दया कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं, गुरु भक्ति कर सकते हैं, बैराग कर सकते हैं, धैर्य धारण कर सकते हैं, एक एक चीजों को विचार कर सकते हैं, दान धर्म करके अपना सत्कर्म बना सकते हैं, ये स्वतंत्र भूमिका मनुष्य जीवन में है। इस अवसर को खो करके कहीं जाना नहीं चाहिए। इसका रास्ता क्या है? कर्मों को काटने का रास्ता एक ही रास्ता है, वो क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान पाने के लिए जिज्ञासु कबीर साहब के पास जाते हैं, प्रश्न करते हैं और कहते हैं गुरुदेव मुझे आत्मज्ञान दीजिए। कबीर साहब दो शर्त रखते हैं, मैं ज्ञान देने के लिए तैयार हूं किंतु क्या है? पहली शर्त है सुन करके सरकना मत और सुन करके सब चीज को मान मत लेना, एक एक चीज को परखना। जब परखोगे परखोगे तब तुमको आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान अब क्या है आगे साहेब पूरे तीसरी साखी से अपनी ज्ञान की छठी बिल्कुल बिखेरते हैं और समय में उसकी चर्चा करेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आखिरी में हमारे पारक सिद्धांत में समापन में एक वंदना की जाती है, उसको हर मीटिंग में करेंगे तो अच्छा रहेगा। वंदनीय गुरुदेव तुम, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय काल जाल के फंदा भारी परख लखायो भेव तुमको, वंदन गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दात ताकि करिए से तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब कबीर अभय
पद दाता साहेब कबीर अभय पद दाता पूरण परख स्वामी व तुमको वंदन है वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब बोलिए सद्गुरुदेव की जय।